नमस्कार, योग टीचर ट्रेनिंग के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दो मुद्राएं सिखाऊंगा बॉडी में पानी का जो लेवल है उसको बैलेंस करने के लिए, और साथ में एक दो सवाल लूँगा आपके कि कौन कौन सी मुद्राएं आपस में एक साथ करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक मुद्रा है जो लास्ट वाली जो छोटी उंगली होती है जिसको आप लिटिल फिंगर कहते हैं या कनिष्ठिका कहते हैं, और अंगूठा यानी थंब के साथ जब आप इसको टॉप में इस तरह से मिला देते हैं, कुछ इस तरह से हल्का सा प्रेस करना हो तो कर सकते हैं, और बीच बीच में दबा लिया, बीच बीच में ढीला कर दिया, तो ये लगा करके अपने घुटनों पे आप रख लें। बाकी शेष उंगलियां बिल्कुल कड़क सीधी ना रख करके लाइट सी इस तरह कटोरी नुमा सीधी रख लें, ताकि आपके हाथ दर्द ना करे काफ़ी देर भी मुद्रा लगाने से। ये मुद्रा बन जाती है वरुण मुद्रा। वरुण अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो ये है जल, तो जल तत्व की कमी को दूर करती है ये, क्योंकि जल तत्व कई लोगों के शरीर में कम होता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेटेड बॉडी होती है, या यूं कह लो कि उनकी गला सूखता रहता है, जुबान सूखती रहती है, आंखें सूखती रहती हैं, या उनका बार बार पेशाब बॉडी में से आ रहा है बाहर। अब बार बार पेशाब बाहर निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि बॉडी में से जल तत्व घट रहा है, लूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी वरुण मुद्रा काम कर जाएगी, क्योंकि ये जल तत्व को बढ़ाएगी। बढ़ाएगी कब? जब बॉडी में ये रोक लेगी थोड़ा सा। तो जिनको पसीना बहुत अधिक आता है, बर्दाश्त से बाहर है, उनके लिए भी ये काम करेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जब जहाँ जहाँ से एक्सेस वाटर लूज़ कर रही है बॉडी, ये उसको थोड़ा रोकेगी और शीतलता प्रदान करेगी शरीर को, मन को, क्योंकि जल का स्वभाव ही शीतलता होता है। और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्याएं हैं जो जल तत्व के साथ रिलेटेड हैं, जैसे किसी किसी की शरीर में मल जो निकलता है जब सुबह पेट साफ करने जाते हैं तो बहुत हार्ड होता है, तो उनका शरीर, इसका मतलब पानी उनके अंदर कमी है, तो वो पीते हैं फिर भी पानी की कमी पूरी नहीं होती। पानी तो पीना पड़ेगा, अंदर ही अंदर से तो कर नहीं देगा, ये मुद्रा कर नहीं देगी, लेकिन फिर भी वो मुद्रा अगर लगाएंगे तो फिर उनका स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसमें प्रिकॉशंस क्या हैं इस मुद्रा को लगाने के लिए, कि जिनके शरीर में पहले से ही पानी बहुत भरा हुआ है, जैसे पेट में पानी भरा है, फेफड़ों में है, या किसी और बॉडी के पार्ट में वाटर रिटेंशन हो जाती है, जैसे कह सकते हैं कि ब्लैडर में यूरिन रुकता है, इस तरह के कंडीशंस में, या कफ, नज़ला, जुकाम, छींके, वाटरी सारा जो है बॉडी, उस कंडीशंस में ये मुद्रा, वरुण मुद्रा नहीं लगवाते। अगली जो मुद्रा है वो है जलोदर नाशक मुद्रा। जलोदर नाशक मुद्रा में यही जो दो उंगलियां थी जो ऊपर लगाई थी, इसको बेस में लगा देते हैं लिटिल फिंगर को। मेरे को लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने अपने हाथ, दूसरे हाथ की मदद से उसके बेस में, बेस मतलब जो आपके अंगूठे की लास्ट रेखा है, रेखा के ऊपर आपने उंगली रखनी है छोटी, और ऊपर से थंब को प्रेस कर लेना है, और दोनों तरफ से आपने लगा लेनी है, और ये बन जाएगी जलोदर नाशक मुद्रा। जलोदर नाशक मुद्रा मतलब आप समझ लीजिए जल उदर नाशक, जल यानी पानी, उदर यानी पेट में, नाशक मतलब बाहर निकालेगी। तो जब इस मुद्रा को आप लगाकर बैठ जाते हैं प्राणायाम के समय, या टीवी देखते हुए, या दिन में एक दो बार खाना खाने के एक दो घंटे बाद, या पहले खाली पेट, तो आपको क्या महसूस होता है कि बॉडी में, अगर शरीर में कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है जिस वजह से सूजन आ रही है, तो वो सबसे पहले निकलना शुरू होता है। किडनी पेशेंट्स को अक्सर ये दिक्कत रहती है, पेशाब खुल के नहीं आता, या यूं भी किसी को अगर पेशाब जाने के वक्त धार बहुत पतली है, रुक रुक करके पेशाब आता है, उनके लिए ये मुद्रा बड़ी काम आ सकती है। और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप प्राणायाम कर रहे हो, प्राणायाम के प्रवाह को या प्राणायाम के बेनिफिट को ये मुद्राएँ अपनी एक अलग डायरेक्शन में मोड़ देती हैं, इसलिए आप प्राणायाम के समय इनको लगा सकते हैं, और दोनों हाथ से लगाएँ, ज़्यादा लाभ है। और कभी कभी ये लगाना पेशेंट्स के लिए संभव नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, लगवा करके थोड़ी सी कोई आजकल सर्जिकल टेप्स जो मिलती हैं वो लगा देते हैं। हालांकि इसका कोई प्रमाण मुझे पहले ग्रंथों में नहीं है कि इसको लगाना चाहिए टेप को या ऐसे नहीं, पर मैंने पेशेंट्स के केस में देखा कि जब वो खुद कैपेबल ही नहीं होते, या बेहोश हैं, या कोई ज़्यादा होश नहीं कर रहे, अब उनकी बॉडी में भी पानी है और इलाज चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं हटा रहा हूँ उन चीज़ों से,
तो ये चीज़ करने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ। नहीं, ये एक साथ में जोड़ा जा सकता है इसको ट्रीटमेंट में, उस आपको डॉक्टर्स भी कहेंगे ठीक है अगर आप लगा रहे हो चलो आप अपना करो, तो इसमें आप उनको ऐसे लगा करके मिनिमम मिनिमम 7 to 10 मिनट्स लगानी होती है, मैक्सिमम 40 मिनट्स, वंस या ट्वाइस अ डे, एक या दिन में 2 बार। ये काफ़ी कारगर है, शरीर के अंदर से बाहर निकालती है पानी को, जैसे किसी के अंदर पानी इकट्ठा है, यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा है, पेट में इकट्ठा है, फेफड़ों में इकट्ठा है, तो उनको बाहर निकालेगी। बस ये है कि इसमें पहले से ही जिनकी बॉडी में पानी बहुत कम है या पानी की कमी है या जल्दी से लूज मोशन लग जाते हैं और उनके अंदर पानी इतना नहीं है, उनके लिए ये सेफ़ नहीं है। उनको तो दूसरी मुद्रा ही लगानी चाहिए, जो मैंने अभी बताई, जिसको हमने वरुण मुद्रा कहा, उसको हम जलवर्धक मुद्रा भी कह देते हैं। उसको जलवर्धक मुद्रा कह दिया, इसको जलोदर नाशक मुद्रा कह दिया। तो ये दोनों मुद्राओं को एक साथ नहीं लगाया जा सकता। जाहिर सी बात है, आप समझदार हैं, आपको अपनी बॉडी की प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरे बॉडी में क्या कमी है, वाटर या पानी ज़्यादा है कम है, मुझे क्या लगाना है, फिर ही डिसाइड होता है। इसी तरह कुछ मुद्राएं एक साथ नहीं लगाई जा सकती, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में सिखाया था पृथ्वी मुद्रा, यानी कि जो वेट बढ़ाती है, एक है सूर्य मुद्रा जो वेट घटाती है। आप अगर 10 मिनट इसको लगाएंगे कि चलो मुझे वेट बढ़ाना है, और इस सूर्य मुद्रा क्यों लगानी है जी, मेरा शरीर ठंडा रहता है तो चलो मैं गर्म कर लूँ इससे, क्योंकि वो भी लाभ था इसका, एक कॉम्प्लीमेंट्री कि चलो ये शरीर को गर्मी भी देती है, तो आप कहेंगे मैं ये भी लगा लूँ, तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगी। आपको अगर पहले गर्मी बढ़ानी है तो फिर आप सिर्फ यही लगाएंगे, बाद में कुछ समय के बाद जब आप उस चीज़ से उबर जाएं फिर ये दूसरी लगा सकते हैं। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस वाली मुद्राएं एक साथ नहीं लगाई जा सकती। हाँ, कुछ मुद्राएं होती हैं, जैसे ध्यान मुद्रा में आप सबसे पहले बैठे, आपने थोड़ा ध्यान किया, या यूं कह लो कि आपने सबसे पहले आकर के वायु मुद्रा में प्राणायाम किया, उसके बाद आप ध्यान में बैठना चाहते हैं तो आप ध्यान मुद्रा लगाना चाहते हैं, तो ठीक है, कुछ मुद्राएं आपस में आप खुद महसूस करेंगे अपने कॉन्शियस सेंस से कि हाँ ये लग सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उन चीज़ों को, उन मुद्राओं को आप लगा सकते हैं जो ये ऑपोजिट दिखती हैं, एक दूसरे के विरुद्ध दिखती हैं, उनको आप ना लगाएं। तो ये थी आज की जानकारी आपके लिए। अगले एपिसोड में फिर मैं कुछ मुद्राओं को लेकर के आपके साथ डिस्कशन करूंगा, और जल्दी ही मुद्राओं की लेसन्स या ये जो सीरीज़ है वो ख़त्म होगी, फिर योग टीचर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी समझता हूँ आपको हो सकता है थोड़ा बोरिंग महसूस हो रहा हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। योग टीचर ट्रेनिंग आप भी सोचते होंगे कि सोफा पे चेयर पे बैठ के कैसे हो रही है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि बेसिक चीज़ें पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, और फिर उसके बाद बहुत हम अच्छी तरह से फोकस करेंगे अपने फिजिकल वर्कआउट पे, क्योंकि विदाउट वर्कआउट, विदाउट फिजिकल एफर्ट योग कंप्लीट नहीं होता है। तो योग में सब कुछ आता है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी और करेंगे भी। आप चिंता ना करें, आप बने रहिए मेरे साथ। कुछ लोगों को शिकायत थी कि आप योग टीचर के एपिसोड नहीं लाते हैं, मुझे प्लीज़ मेरे ऊपर फेथ करिए, अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा होता हूँ तो आप देखते हैं कोई और वीडियो में ला रहा होता हूँ उस समय, तो आप उसका लाभ उठाएं, हर चीज़ को अलग ना देखें। मैंने कभी ज़िंदगी में अलग नहीं देखा किसी चीज़ को, मैंने बस सीखने पर फोकस किया, जो मिल रहा है एवरीडे रेगुलर उसको लें, हो सकता है वो कहीं ना कहीं आप जब वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे एज ए योग टीचर कहीं पर भी, वो चीज़ें आपकी क्वालिटी में काउंट करेंगी और वो माना जाएगा कि हाँ इनमें ये काबिलियत है। इसलिए कोई चीज़ को अलग ना महसूस करें। मैं आयुर्वेद के चैनल पे आयुर्वेद की जानकारी देता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगी, बॉडी को समझने में, हेल्थ को समझने में, शरीर को समझने में, ह्यूमन की अंदर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को समझने में। इसलिए कोई चीज़ अलग नहीं है, आप इन सबको जोड़ के स्ट्रेंथन्ड हो जाए। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी योग टीचर से रिलेटेड, ना भी सही, योग से रिलेटेड बहुत सारी हैं, उसमें मैंने कई सारे सवाल, कई सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। अगर आप उनको ही देख लें कम से कम, तो आप पाएंगे कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स, काफ़ी सारी क्वेरीज कम सॉल्व हो गई। और मैंने कुछ योग के स्पेशल पैकेज भी बनाए हुए हैं, ये थायराइड के लिए, ये पीसीओडी के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए, आप एटलीस्ट उनको सीखें, करें, और फिर अपना दिमाग इस चीज़ में दौड़ाएं कि मैंने वो चीज़ कैसे कराई, क्यों कराई, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो कैसे पैटर्न, क्या पैटर्न था, बहुत मदद मिलेगी आपकी। तो मैं ये चीज़ें, ये वीडियोस लाता ही रहूँगा आप सबके लिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स भी कर सकते हैं, उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसमें मुझे कोई कहने में शर्म नहीं है, वो सारा का सारा जो छोटा 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 आपका सहयोग है वो सारा का सारा सेवा में लगेगा। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कारम।